अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है। आपको बता दें बड़ी खबर जो भोपाल से आ रही है, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आज होगा प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आज होगा प्रदर्शन। आज भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां आज भोपाल में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। प्रदेश भर से जुटेंगे कर्मचारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश भर से कर्मचारी जुटेंगे। इससे पहले वे सभी जिलों में कलेक्टरों को सौंप चुके हैं ज्ञापन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंप चुके हैं कर्मचारी। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है भोपाल में। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं गब्बर जी। गब्बर बताएं कि आज भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है कर्मचारियों को लेकर, क्या कुछ मामला है? जी देखिए, जो तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं, पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी आज राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं। जो नीलम पार्क है, नीलम पार्क में इन लोगों का एक बड़ा प्रदर्शन है और सरकार के खिलाफ में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी 27 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें आप जो पुरानी पेंशन है ये भी स्कीम उसमें शामिल की गई है, इसी में लेकर के जो उनकी पदोन्नति है, पदोन्नति को लेकर के वेतन विसंगति है, भत्ता है, इस तरह की उनकी 27 सूत्रीय मांग है। और इन 27 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज तृतीय वर्ग के कर्मचारी राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में धरना आंदोलन करेंगे। साथ ही सरकार से अपनी मांगों को लेकर के, जो उनकी मांग है, इन मांगों को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। हालांकि अब ये प्रदर्शन कितना जबरदस्त रहेगा, कितना रंग लाएगा नहीं लाएगा, ये अलग बात है जब प्रदर्शन होगा, लेकिन आज जो प्रदेश भर के तृतीय वर्ग कर्मचारी हैं वो भोपाल में इकट्ठा हो रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद गब्बर। तो ये थी बड़ी खबर भोपाल से, जहां कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। आज भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है।